फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक और बात करूँगी जो हम लोग बात करें कि सिर्फ मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ टेबलेट, कैप्सूल या सिरिंज, ये सब मेडिसिन नहीं होती हैं। मेडिसिन में अगर हम देखें तो ग्रेटिट्यूड एंड लव, इट्स अनदर, शुक्रगुजारी का जो फैक्टर है ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। मामा बाबा को जब भी, बाबा ने तो है इतना लॉन्ग टर्म नहीं उनका बीमारी कर रहा था, बट मामा कर रहा था, और मैं मामा से कभी कोई बात होती तो मैं मामा से जब बात करती तो मुझे कहती थी कि बेटा, हमारे नबियों पैगंबरों पे भी बहुत सारी तकलीफें आई, उन्होंने सब्र से शुक्र से काम लिया। और जब भी मामा से कोई उनका हाल पूछता था, इवन इन लास्ट मोमेंट तक भी, तो ही वॉज ऑलवेज सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह जिस हाल में रखे। अगर हम शुक्र का फैक्टर अपने अंदर अपना लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी बीमारियों को ईजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र करने से अल्लाह ताला नेमतों से और नवाजते हैं, गिला करने से अल्लाह ताला नाखुश भी होते हैं, और ऑफकोर्स अल्लाह की नाराज़गी से हमें डरना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वही ज़ात है जो हमें सब कुछ दे रही होती है। बीमारी, तकलीफ, बल्कि आई स्टिल रिमेंबर मामा वर्ड्स कि मेरी लाइफ का भी कुछ टाइम या बहुत सारा टाइम भी कह सकती हैं कि हर साल 3 मंथ्स आई वॉज टोटली ऑन बेड, और मैं चल नहीं सकती थी, खड़े नहीं हो सकती थी, तो मामा मुझे ये उनके अंदर इतना प्यार, इतना मोहब्बत वाला फैक्टर कि मेरे अंदर ना मेरी बीमारी ने गुस्सा कभी नहीं लाया था। मुझे हमेशा जब भी गुस्सा आया, मुझे लोगों के रवैयों पे, लोगों के गलत बिहेवियर पे गुस्सा आया, मेरी बीमारी ने मुझे चिड़चिड़ा या बदतमीज कभी नहीं किया था। तो इसीलिए जब हम अगर इनके समय कोई तकलीफ़, कोई बीमारी आती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने और बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। इवन मैं आपसे यहाँ बात करती थी अपनी मामा की, और मैंने इसलिए बात की थी कि मैं रियल टाइम एग्जांपल से बात करूँगी। एक टाइम था कि मामा को 24 में से 22 आवर्स ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ती थी, और एट मैक्स लेवल लाइक 8.5, 9 पॉइंट, ये ऑक्सीजन का मैक्स लेवल होता है। और उसमें भी उनके लिए बहुत एक फैक्टर था कि हमें चेक रखना होता था कि आइदर वो जो पॉइंट है, उनकी सिचुएशन है, वो 92 प्लस नहीं जाए। इस क्रिटिकल सिचुएशन, इस क्रिटिकल टाइम में भी वो बहुत हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, और इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से निकलते रहे। फ्रेंड्स आर मेडिसिन, वाकई फ्रेंड्स वाकई मेडिसिन होते हैं। इस पे भी अगेन मैं मामा की एग्जांपल देके बात करूँगी, देन आई विल कम टू माय पॉइंट। जब मामा का लास्ट मंथ था तो वो बहुत कॉन्शियसली मुझे कहती थी कि तुम सोशल मीडिया पे हो, तुम डिफरेंट लाइक जगहों पे जाती हो, सोशल गैदरिंग है, तो व्हाई नॉट यू फाइंड माय ओल्ड फ्रेंड्स। तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि वाकई जिसे कहा जाता है कि अच्छे दोस्त भी एक नेमत होते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन इन माय प्रोफेशनल लाइफ, आई एम सो मच ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, और फ्रेंड्स आर रियली लाइक मेडिसिन, क्योंकि मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मेरी अंदर कोई कमी है या उन लोगों ने मेरे साथ कभी कोई गैप रखा हो कि नहीं जी आप यहाँ नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकती। आई एम सो मच ब्लेस्ड पर्सन कि अल्लाह ताला ने हमेशा अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से मिलवाया। मेडिकेशंस आर मेडिसिन। मेडिकेशन कैसे मेडिसिन होती है? जब आप डिफरेंट मेडिकेशंस करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आप फील करते हैं, कुछ रिलैक्सिंग मेडिकेशंस होती हैं, कुछ साइलेंट मेडिकेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस होती हैं। जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं, इवन देन अगर हम देखें तो नमाज इट्सेल्फ एक मेडिकेशन है, और वो आपके लिए एक मेडिसिन का काम कर रही होती है। बीइंग फियरलेस, जिंदगी में किसी चीज़ का खौफ ना होना, ये वाकई बहुत बड़ी मेडिसिन है। आपके पास, आपकी लाइफ में डिफरेंट खौफ होते हैं, कुछ लोग किसी एनिमल से डरते हैं, जैसे गर्ल्स के मतलब कहा जाता है कि जी वो चूहे, बिल्ली, कबूतर, अलाबला, इन चीज़ों से डरते हैं, कुछ रिश्तों को खोने से डरते हैं। हाँ, ये फियर होना आई थिंक सो फिट
है और थोड़ा सा होना भी चाहिए. और ऑल द बींग फियरलेस होना इट्स रियली गुड पॉइंट, बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो रिश्तों को खोने के एहतराम में शायद हम रिश्तों की कदर कर लें तो वो हमारे लिए भी एक मेडिसिन है. और जो अच्छे रिश्ते होते हैं जैसे माँ बाप का हो गया रिश्ता, जैसे आपकी फैमिली में आपके क्लोज वंस के रिश्ते, वो रिश्ते कहीं भी नहीं जाते. बेसिकली एक दुनिया से अगर इनके कोई पर्दा हो जाए तो वो एक लाइफ से दूसरी अपनी एक्चुअल लाइफ में वो बंदा चला जाता है. बट जैसे मैं मामा के मुतालिक आई एम ऑलवेज सेइंग कि शी इज़ ऑलवेज विद मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वो अभी भी मुझे गाइड करती हैं, वो अभी भी मुझे बताती हैं कि कहाँ मैं सही हूँ कहाँ गलत हूँ और क्या चीज़ मुझे करनी है क्या नहीं करनी. और इससे ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि अगर जो आपके जाने वाले वो आपके साथ हमेशा के लिए हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती. पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ द मेडिसिन. ऑफ कोर्स अगर हम देखें, अगेन इसमें मामा की एग्जांपल दूंगी, मे बी आई एम नॉट सेइंग अबाउट माय सेल्फ केयर जी आई एम टू मच पॉजिटिव, बट कोशिश होती है कुछ चीज़ें कि शायद मामा जैसा बिहेवियर कुछ मामा जैसा एटीट्यूड. अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आपके लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं आप देखें कि इनकेस अगर आप जैसे मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रही हूँ, मामा 12, 13, 18, 2021 में भी जब उनका लास्ट उनकी जाने से पहले 12 में जब मामा गई आईसीयू में और ऑफकोर्स वो वेंट पे भी गई, 13 में भी गई, दो दफ़ा वेंट पे जाने के बावजूद 24 में से 22 आवर्स ऑक्सीजन लेना, और 18 में जब गई तो बाईपैप डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि जी बाईपैप लगेगा, इट्स लाइक मिनी वेंटिलेटर. ये बहुत सारी टफ चीज़ों के बावजूद एक ये मामा के अंदर कभी होप नहीं था कि पता नहीं मुझे मेरा लास्ट मोमेंट कब बचेगी. वो हमेशा ही कहती थी कि अल्लाह ताला ईमान की सलामती दे और कलमा पढ़ते वक्त हो. तो मामा ने जो दुआ मांगी उसके अकॉर्डिंग ही मामा की हो, लास्ट मोमेंट तक भी वो बहुत बहुत पॉजिटिव रही. आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे याद है कि जब मामा हॉस्पिटल दोबारा एडमिट हुई 17 को, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा परेशान नहीं हो, ये सारे ऐसे कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, इंशाल्लाह हम आप और मैं हज पे जाएंगे.